नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 दिसंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में अमीन में निकाली गई बंपर बहाली। बिहार में अमीन के पदों पर नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। जानकारों की माने तो भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने को लेकर नीतीश कुमार बहुत जल्द बंपर बहाली निकालने वाले हैं। खबरों की माने तो राज्य सरकार कुल मिलाकर 550 अमीनों के पदों पर बहाली करेगी। इसको लेकर आयोग की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मार्च 2019 में ही विज्ञापन निकालकर सर्वे में ITI या फिर अमानत की डिग्रीधारियों से आवेदन लिए गए थे। इसीलिए इस बार भी यही योग्यता निर्धारित की जा सकती है, जिसके बाद जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी किया बड़ा फैसला। बिहार बोर्ड ने आगामी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की तरफ से अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के दौरान ऐप से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड ने यह फैसला परीक्षा में धांधली को रोकने के मकसद से लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाले हर एग्जाम की निगरानी अब विशेष ऐप से की जाएगी। ऐप को सभी जिले के DEO सहित आला अधिकारी से जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में बोर्ड इसके लिए परीक्षण कार्यक्रम भी चलाने की तैयारी में है। इसके साथ ही इस परीक्षा की तैयारी क्रैश कोर्स के माध्यम से जिले के हाई स्कूलों में जल्द शुरू की जाएगी। रोहतास के रोहतासगढ़ किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाले रोहतासगढ़ का किला साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह किला रोहतास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशुंग के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहताश्व ने किया था। रोहतासगढ़ जलप्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं। माना जाता है कि यह किला कई सालों तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक वर्षों तक इस किले पर उनका अधिकार रहा। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 596 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,42,748 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 240 मामले सामने आए हैं। वहीं गोपालगंज में 62, मुजफ्फरपुर में 19 मामले सामने आए हैं। अगले 4 साल में बिहार को मिलने वाले हैं 17 नए पुल। आने वाले 4 साल में बिहारवासियों को पुलों की सौगात मिलने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा, कोसी, कर्मनाशा और सोन पर अगले 4 साल में 17 नए पुलों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें से 13 गंगा नदी पर, कोसी नदी पर 2, कर्मनाशा और सोन पर एक एक पुल का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे सड़क यातायात की सुविधा बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। इन पुल परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी भी है। इनमें कई पुलों का जिक्र कोइलवर पुल के 3 लेन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। कोरोना के माहौल में 7,200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान पर ताला लगने से 9.30 लाख लोग हुए प्रभावित। कोरोना के माहौल में कई लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोगों की जिंदगी भी बेपटरी हो गई है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के कारण सरकार के करोड़ों का राजस्व देने वाला कोचिंग सेंटर बदहाल है। पिछले 8 महीने से भी ज्यादा समय से राज्य के 7200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान पर ताला लटका है। इसकी वजह से इनसे जुड़े करीब 9.30 लाख टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सहित उनके परिवार के सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। सिर्फ पटना शहर के 50% से ज्यादा कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, जिनको दोबारा शुरू करना काफी मुश्किल होगा। दक्षिण बिहार में जल्द ही लागू होगी कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार दक्षिण बिहार के सभी जिलों में किया जाएगा। बिहार सरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने इस बाबत भूमि संरक्षण और उद्यान निदेशालय के काम की समीक्षा कर अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि यह योजना फिलहाल बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास जिले में चलाई जा रही है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि सभी जिलों में भूमि संरक्षण के कार्यों तेजी लाई जाए। भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत कुल 180 पदों के विरुद्ध रिक्त 140 पद पर बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। जाने बिहार में नए साल में कितने दिनों की मिलेगी छुट्टी। नए साल के आने में बस कुछ ही दिन का समय बचा है। क्रिसमस को छोड़कर इस साल के सभी त्यौहार भी करीब करीब खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद अब आने वाले साल यानी कि 2021 के त्यौहारों का इंतजार लोगों को है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, 28 और 29 मार्च को होलिका दहन और
होली 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 21 अप्रैल को रामनवमी, 25 अप्रैल को महावीर जयंती, ईद उल फितर, जुहा, बकरीद 14 मई को, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जुहा 21 जुलाई को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को मुहर्रम, 22 अगस्त को रक्षाबंधन, 30 अगस्त को जन्माष्टमी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 15 को दशहरा, 19 को ईद ए मिलाद, 20 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 4 नवंबर को दिवाली, 10 नवंबर को छठ पूजा, 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती की और 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से विमानन कंपनी को मिली हरी झंडी। घरेलू उड़ानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जल्द ही गया एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते से गया से कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। इसके लिए गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमानन कंपनी को हरी झंडी दे दी है। एयरपोर्ट डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि इंडिगो एयरलाइंस गया से दिल्ली के साथ ही गया से कोलकाता के लिए भी विमान सेवा शुरू होगी। फिलहाल हर दिन गया से दिल्ली और दिल्ली से के लिए इंडिगो एयरलाइंस का विमान आवाजाही कर रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। शिल्पा शुक्ला का जन्म 22 फरवरी 1982 को बिहार में हुआ था। शिल्पा शुक्ला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एमके रैना के थिएटर से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म खामोश पानी से की थी। इसके बाद वो निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में भी नजर आई थी। इस फिल्म में आलोचकों द्वारा उनके अभिनय की बेहद सराहना की गई थी। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया की अक्कड़ बिंदिया नायक की भूमिका से मिली थी। सरकार ने सभी डीएम और एसपी को जमीन तलाशने की दी जिम्मेदारी। बिहार का हर थाना और ओपी अपनी जमीन पर होगा, जिसके बाद अब जैसे तैसे भवनों में थानों का संचालन नहीं करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर जमीन वाले थाना और आउटपोस्ट के लिए विशेष मुहिम चलाने का फैसला सुनाया है। साथ ही जमीन तलाश करने का आदेश भी अधिकारियों को दे दिया है। जैसे ही जमीन मिलेगी तुरंत भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। बिहार पुलिस में पिछले 15 सालों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आधुनिकीकरण के तहत पुलिस फोर्स को साधन संपन्न बनाया गया है। थाना और पुलिस लाइन के लिए भवन बने तो जवानों को अत्याधुनिक उपकरण और नई गाड़ियां मुहैया करवाई गई है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि 137 थाना और 82 ओपी की अपनी जमीन नहीं है। बिहार के सभी जिलों में तैनात किए जाएंगे कला संस्कृति पदाधिकारी। बिहार में जिला लेवल पर अधिकारियों की तैनाती होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग में जिला लेवल पर अधिकारियों की तैनाती होने वाली है, जिसके बाद सभी जिलों के लिए एक एक अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के रिक्त 38 पदों पर शीघ्र अतिशीघ्र बहाली की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य कला एवं संस्कृति सेवा स्तर के ऐसे पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को कहा गया है। आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में और भी तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों की विशिष्ट पहचान वहां की कला और संस्कृति से है। कई जिलों के लोक कला भी देश में उत्तम स्थान रखती है। बिहार में अब विवादों की प्रकृति के आधार पर भूमि विवाद का किया जाएगा निपटारा। बिहार में अब विवादों की प्रकृति के आधार पर भूमि विवाद का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों की सुरक्षा के लिए हर एक अंचल में 4 गार्ड की तैनाती भी की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक अंचल में 4 गार्ड की तैनाती करने का फैसला लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक पुलिस डीआईजी की भी अब तैनाती होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हुए उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालयों में 2 साल पीछे चल रहे सेशन को 31 मई तक हर हाल में रेगुलर करने का जारी हुआ आदेश। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर सख्ती दिखाई गई है, जिसके तहत आने वाले 5 महीने में 2 साल पीछे चल रहे सत्र को नियमित करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान ने कुल सचिवों के साथ हुई बैठक के दौरान दिया है। इस बाबत राज्यपाल ने कहा कि 31 मई तक परीक्षा और मूल्यांकन के साथ सेशन को हर हाल में रेगुलर करना है। वहीं वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी भी लेट चल रही है, मगर राज्यपाल ने को नियमित करने का आदेश जारी किया है। हालांकि जिन विश्वविद्यालयों में सेशन 2-3 साल पीछे चल रहे हैं, उनके लिए कुलाधिपति का फरमान पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
भारत श्रीलंका अंडर 16 स्कूल सीरीज में अभिषेक बने मैन ऑफ द सीरीज। जब भारत और श्रीलंका के बीच महाराष्ट्र में अंडर 16 स्कूल वनडे मैच सीरीज खेला गया। इस सीरीज को भारत ने 3-0 से जीत लिया। इस मैच में भारत की तरफ से खेलते हुए बिहार के अभिषेक यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज से भी नवाजा गया। इस सीरीज के पहले मैच में अभिषेक ने 211 रन बनाए, वहीं 3 विकेट अपने नाम किया। दूसरे मैच में उन्होंने 109 रन बनाए और 1 विकेट अपने नाम किया, तो वहीं तीसरे मैच में उन्होंने 141 रन बनाए और 5 विकेट अपने नाम किया। पटना को चकाचौक बनाने के लिए 500 की आबादी पर नियुक्त होगा एक सफाई मजदूर। पटना शहर को चकाचौक बनाने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। हर एक वार्ड में 500 की आबादी पर एक सफाई मजदूर होगा। इतना ही नहीं, सफाई मजदूरी और घर घर से कचरा संग्रहण के लिए अलग अलग मानव बल होंगे। शुक्रवार को पटना नगर निगम महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वार्डों में सफाई मजदूर बढ़ाए जाने के निर्णय से शहर को साफ सुथरा रखने में सहायता मिलेगी। जनसंख्या के आंकड़ों के लिए पुराने जनगणना के आंकड़ों का आधार भी बनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2.5% बढ़ोतरी का आकलन कर मजदूरों को रखा जाएगा। कोरोना के माहौल में पेंशनर को सरकार ने राहत देने का लिया फैसला। कोरोना के इस माहौल में सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है, जिसके बाद अब सभी पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। पहले इसे जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 रखी गई थी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के स्तर से भी इसके लिए तारीख बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। इसके मद्देनजर राज्य के वित्त विभाग ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों और कोषागार पदाधिकारी को खासतौर से निर्देश जारी किया है। से सभी पेंशनरों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अतिरिक्त मोहलत मिल जाएगी। बांका जिले के पुरातात्विक स्थल का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत भादरिया स्थित चांदन नदी के तट पर अवस्थित पुरातात्विक स्थल का परिभ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चांदन नदी के पुराने चैनल का मुआयना कर नदी के पानी के फ्लो को पुराने चैनल से डायवर्ट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था, ताकि आर्कियोलॉजिकल एरिया का ठीक ढंग से खुदाई किया जा सके। निरीक्षण से पहले मुख्यमंत्री ने इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त मृद भांड एवं अन्य पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरातात्विक स्थल के समीप बने हेलीपैड पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जदयू और भाजपा के बीच फंसा दाव पेच। सरकार गठन को अब एक महीना पूरा होने जा रहा है, हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रही है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। जानकारों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल जदयू और भाजपा के बीच अभी विभागों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जदयू खुद ही मंत्रिमंडल के विस्तार में रुचि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर कैबिनेट का गठन होता है तो जदयू के मुकाबले भाजपा के अधिक विधायक मंत्री बनेंगे। अगर 15 दिसंबर तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है तो यह जनवरी के मध्य में किया जाएगा। लोजपा ने बिहार में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बिहार में लगातार अप्रिय वाक्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर कम होता दिखाई दे रहा है। वहीं बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए राजनीति भी शुरू हो गई है, साथ ही सरकार भी सवालों के घेरे में है, जिसके बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार में बढ़ते अप्रिय वाक्यों को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने बीते दिन देश के गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है। गृहमंत्री से बिहार में बढ़ रहे मामलों को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। लोजपा प्रवक्ता ने पटना के जीपीओ पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर बिहार की स्थिति से अवगत करवाया और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। भारतीय भौतिक चिकित्सा ने जताया कड़ा विरोध। भारतीय भौतिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन ने भौतिक चिकित्सा संवर्ग को भारतीय पुनर्वास परिषद में शामिल किए जाने का कड़ा विरोध किया है। इसी क्रम में उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने सार्वजनिक ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन जारी कर हितधारक संगठनों एवं सामान्य नागरिकों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। माननीय मंत्री ने इस पर उचित करने का आश्वासन भी दिया है। बिहार भौतिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार महासचिव, डॉक्टर सुजीत कुमार सचिव, डॉक्टर प्रशांत भूषण एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों ने इसका विरोध किया है और मंत्री जी के आश्वासन का स्वागत किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का
अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। साल 1955 में आज ही के दिन भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का जन्म हुआ था। 2000 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विजय सैमुअल हजारे कैस्ट्रॉल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1969 में बेनेगल रामा राव भारतीय अर्थशास्त्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ग्रेग चैपल हुए कोहली के बड़े फैन। महान बल्लेबाज तथा भारतीय टीम पूर्व के कोच ग्रेग चैपल ने विराट कोहली की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कोहली की आक्रामकता की वजह से भारतीय टीम के रुख में बड़ा बदलाव आया है। चैपल ने कहा कि पहले के कई भारतीय क्रिकेट विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने से बचते थे। उन्होंने यह भी कहा कि शायद यह गांधी जी के सिद्धांतों के मुताबिक था। चैपल ने कहा कि विराट कोहली विश्व क्रिकेट में मौजूदा समय के सबसे ताकतवर क्रिकेटर में से एक है। कोहली के साथ स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन दौर में शामिल है। तीनों में अंतर करना मुश्किल है, लेकिन कोहली सबसे अहम खिलाड़ी है। मशहूर कोरियोग्राफर पुनीत पाठक ने की शादी। कोरियोग्राफर और एक्टर पुनीत जे पाठक मंगेतर निधि मुनीस सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने लोनावना में बीते दिनों सात फेरे ले लिए हैं। सोशल मीडिया में पुनीत और निधि की शादी की तस्वीरें और वीडियोस जमकर ट्रेंड कर रही है। पुनीत की शादी करीबी दोस्तों और परिवार के बीच एक रिजॉर्ट में संपन्न हुई है, जहां पर मेहंदी सेरेमनी, मैरिज और ब्रंच रिसेप्शन का आयोजन भी करवाया गया था। शादी के दौरान पुनीत और निधि पिंक आउटफिट में नजर आए। निधि ब्लश पिंक लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई, वहीं पुनीत ने लाइट पिंक शेरवानी पहनी हुई थी। इंद्रपुरी जलाशय योजना की मरम्मत होगी नए साल में। इंद्रपुरी जलाशय योजना के मरम्मत की शुरुआत नए साल में होने वाली है। इसकी डीपीआर भी बनकर तैयार हो गई है, मगर स्वीकृति के लिए इसे तकनीकी सहित कई चरणों से होकर गुजरना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में ही मरम्मत का निर्देश दिया था। इस योजना से पटना सहित राज्य के 8 जिलों को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी, जिसमें पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले का नाम शामिल है। जल संसाधन विभाग के सूत्रों की माने तो साल 1973 में हुए समझौते के अनुसार बिहार को सोन नदी से 7.75 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना है। इसमें मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम से 1 MAF और उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से 2.58 MAF पानी मिलना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मास्टर जहीरुद्दीन, महेश कुमार, अमरजीत कुमार, मोहन कुमार, अमर कुमार, संजय यादव, चिंटू अमन, जवीर यादव, तरवीन कुमार, रविन्द्र कुमार, रजनीश कुमार, शलिग्राम कुमार, सुबोध कुमार, संजीव कुमार सिंह, प्रमोद राम, कौशल कुमार, रमेश राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के 43 सीट पर सिमटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।